हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 44, या फिर हम कह सकते हैं कि ये तीसरे चैप्टर का 10वां वीडियो है। और आज हमें डिस्कस करने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन आयनिक रेडियाई। जो हमने आयनिक रेडियाई टॉपिक डिस्कस किया था उसके ऊपर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करने हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, Na पॉजिटिव का साइज Na से छोटा होता है जबकि Cl नेगेटिव का साइज Cl से बड़ा होता है, क्यों? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे सब। कि जो हमारा Na पॉजिटिव होता है उस Na पॉजिटिव का साइज Na से छोटा क्यों होता है? यह Na पॉजिटिव का मतलब है यहाँ Na पॉजिटिव आयन, और Na का मतलब है सोडियम का परमाणु। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा एक डायग्राम हमने यहां लिया है, और इस डायग्राम में आप एक बात देख रहे होंगे कि ये हमने लिया है सोडियम का एटम। सोडियम का एटम कैसा होता है कि उसकी जो पहली ऑर्बिट होता है, पहला शेल होता है, उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने होते हैं? उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। इसी तरीके से आप यदि इसे देखोगे, जब सोडियम एटम की हम बात करते हैं तो हमें पता चल गया कि सोडियम एटम के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 है, फिर 1 है, यानी इसके पास टोटल कितने ऑर्बिट हैं? 3 ऑर्बिट हैं। ठीक है, 3 ऑर्बिट कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि 3 सेल्स हैं, या फिर कह सकते हो कि 3 कक्षाएं हैं। अब यहाँ जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलने से इसकी बाहरी कक्षा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, वो खत्म हो जाता है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जब इसका खत्म हो जाएगा तो इसके पास 2 ही ऑर्बिट बचेंगे। पहले ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे में 8, तीसरा ऑर्बिट हो चुका है इसका खत्म। तो इसलिए क्या होता है कि Na पॉजिटिव आयन जो है उसके पास केवल 2 ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, एक तो बात यह है कि यदि हम सोडियम के एटम की बात करें तो सोडियम एटम में 3 ऑर्बिट थे या 3 सेल थे, और जबकि Na पॉजिटिव आयन की बात करें तो उसमें केवल 2 ही ऑर्बिट बचे हैं। तो जब ऑर्बिट्स का नंबर घट गया है, कक्षाओं की संख्या घट गई है, तो साइज तो फिर घटेगा ही। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सोडियम का एटम है, सोडियम का परमाणु है, इसके पास टोटल प्रोटॉन कितने हैं? 11। 11 प्रोटॉनों को खींचना है, 11 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। और यहां बात करें जब Na पॉजिटिव आयन की, तो प्रोटॉन तो 11 ही हैं, 11 प्रोटॉनों को खींचने हैं 10 इलेक्ट्रॉन। यहां तो 11 प्रोटॉनों को खींचने थे 11 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, और यहां 11 प्रोटॉन्स को खींचने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ। तो यदि हम बात करें ना, तो बेटे जब इस केस से इस केस में हम जाते हैं, यानी सोडियम एटम से सोडियम पॉजिटिव आयन पर जाते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो भी तो साइज क्या होगा? तो भी साइज घट जाएगा। तो इसलिए यहां साइज क्या होता है? घट जाता है। तो हमने पढ़े टोटल कुल मिलाकर कितने फैक्टर पढ़े? हमने पढ़े यहां फैक्टर 2। ठीक है, इन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। एक तो ऑर्बिट्स का नंबर घट गया था। देखो हमने यहां पढ़ा कि हमारे पास 3 ऑर्बिट थे, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकला सोडियम के एटम में से, तो ऑर्बिट हमारे पास बचे हैं 2, क्योंकि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट था उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन था। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स घट गए और साथ ही साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया। इन दोनों फैक्टर की वजह से साइज क्या होता है? घट जाता है। पर इन दोनों फैक्टर में से ज्यादा जो काम करता है ना फैक्टर, वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ही होता है। कक्षाओं की संख्या के घटने से साइज ज्यादा घटता है।
अब देखो जरा यहां, यहां आप इस बात को, इस आंसर को ऐसे लिख सकते हो। देखो जब सोडियम एटम Na पॉजिटिव आयन में बदलता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण एक ऑर्बिट कम हो जाता है, एक ऑर्बिट क्या हो जाता है, कम, तथा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण साइज घट जाता है। इसी कारण Na पॉजिटिव का साइज Na एटम यानी सोडियम एटम से कम होता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आप चाहो तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां से आपके पूरा पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। चाहो तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, मैं साइड में हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो यहां से। ले लिया, चलो वैसे तो साथ साथ लिख लेना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि आपका जो Cl नेगेटिव आयन है उसका साइज Cl एटम से बड़ा होता है, क्यों। चलो इसके बारे में भी बात करते हैं कि Cl नेगेटिव आयन है उसका साइज क्लोरीन एटम से बड़ा क्यों होता है, ठीक है। देखो यहां, देखो ध्यान से, हमारे पास यह है क्लोरीन एटम और क्लोरीन एटम में होते हैं टोटल तीन ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आठ और फिर सात, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्लोरीन के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। और इसमें क्या हुआ, इसमें आपके पास पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरी में आठ और तीसरी में सात। अब हुआ क्या कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस हुआ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के प्लस होने से देखो, अब पहले ऑर्बिट में दो थे, पहले भी अब भी दो हैं, दूसरे ऑर्बिट में पहले आठ थे अब भी आठ हैं, पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले सात इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और आया है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, आठ। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन हो गए और ये बन गया Cl नेगेटिव आयन। क्या बना, Cl नेगेटिव आयन बन गया। अब यहां एक बात आपको देखने को मिल रही होगी कि सर यदि हमें पता चल गया कि ये जो Cl नेगेटिव आयन बना है इसमें भी प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे। यदि मैं यहां पूछूं कि प्रोटॉन कितने हैं तो आप कहोगे कि सर प्रोटॉन है इसके पास 17, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं किसी न्यूट्रल एटम में, किसी उदासीन परमाणु में। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन भी 17 है। तो यहां 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसे आप न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहते हो। और यहां प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो नहीं निकला, प्रोटॉन तो 17 ही हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो चुकी है 18। तो यदि हम बात करें कि यहां पहले केस में यानी क्लोरीन एटम के केस में 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहे थे, पर यहां Cl नेगेटिव आयन के केस में 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉनों को खींच गया अपनी तरफ, यानी इनके ऊपर लोड बढ़ गया है। और जब इनके ऊपर लोड बढ़ा तो मैं कहूंगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ है, घटा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है जब क्लोरीन एटम Cl नेगेटिव आयन में बदलता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटने से क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटेगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटेगा तो साइज बढ़ेगा, इसलिए Cl नेगेटिव आयन का साइज Cl एटम से बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आई ना बात, साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहां कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें जब हम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स देखते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्लोरीन एटम में तीन हैं, और जो आपका Cl नेगेटिव आयन है उसमें भी कितने हैं, तीन हैं। तो बेटे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स यहाँ प्रभावित नहीं करेगा आकार को परमाणु के, यहाँ परमाणु के आकार को प्रभावित करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो चेंज हुए ही नहीं है। यदि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स चेंज होते तब होती वो बात, ठीक है।
चलो देखो क्या आंसर लिख के आना है आपको एग्जाम में इसके सेकंड पार्ट का। यहाँ आप देख रहे कि क्लोरीन एटम के पास 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने से ये Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है और उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 2, 8, 8। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, परंतु इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है। तो आपको आंसर लिखना है, जब क्लोरीन एटम में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने के कारण वह Cl नेगेटिव आयन में बदलता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो नहीं बदलते हैं, बट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है। अतः न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को कम अट्रैक्ट कर पाता है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को उतनी प्रबलता से आकर्षित नहीं करेगा। अतः Cl नेगेटिव आयन का साइज Cl एटम से बड़ा हो जाता है। ठीक है, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो यहां से आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटे आपको बिल्कुल आने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव एवं Al ट्रिपल पॉजिटिव सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, फिर भी Na पॉजिटिव का रेडियस मैक्सिमम तथा Al ट्रिपल पॉजिटिव का रेडियस मिनिमम होती है, यानी इनकी त्रिज्या Al ट्रिपल पॉजिटिव की त्रिज्या सबसे कम होती है। यहां इन्होंने लिए हैं कुल मिला के 3 आयन। कितने आयन लिए हैं? 3 आयन। इन 3 आयनों के बारे में बात करनी है हमें। ठीक है, चलो इन 3 आयनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हैं हमारे 3 आयन, यहां रख देता हूं इसे ऊपर, करें बात। देखो सबसे पहले है हमारे पास, इनका क्वेश्चन क्या है कि जब आप Na पॉजिटिव आयन को देखते हो ना, और जब आप Mg डबल पॉजिटिव आयन को देखते हो, जब Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन को देखते हो, तो तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक को हम कह सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 8, 10। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इन तीनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं तीनों को कि ये तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बट एक बात समझनी है, इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो Na पॉजिटिव आयन होता है ना, Na पॉजिटिव आयन, और ये जो Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन होता है, इन तीनों के साइज की बात करें तो Na पॉजिटिव आयन जो है वो सबसे छोटा है साइज में। ठीक है, क्या है? सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा है। क्वेश्चन को देख लो आप एक बार। देखो क्वेश्चन कहा Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव एवं Al ट्रिपल पॉजिटिव सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। क्यों है सम इलेक्ट्रॉनिक? क्योंकि तीनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी Na पॉजिटिव की रेडियस मैक्सिमम यानी Na पॉजिटिव का साइज सबसे बड़ा है तथा Al ट्रिपल पॉजिटिव की रेडियस मिनिमम होती है। क्यों? समझ गए? चलो देखते हैं। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को, मैं बताता हूं आपको क्यों Na पॉजिटिव की रेडियस सबसे बड़ी क्यों है और Al ट्रिपल पॉजिटिव का रेडियस सबसे छोटा क्यों है। जब आप सोडियम को देखते हो तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 1, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करेगा? वो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, माइनस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को छोड़कर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Na पॉजिटिव आयन में, और उसके पास रहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, पर प्रोटॉन उसके पास 11 ही हैं। ध्यान रखना प्रोटॉन कितने हैं? 11। अब यहां क्या स्थिति बनी? यहां स्थिति यह बनी कि जो 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन, जो 11 प्रोटॉन है, एक मिनट रुक जाओ जरा, यहां स्थिति यह बनी
कि जो हमारे पास, एक मिनट जरा इसे साफ कर देता हूं यहां से। अब समझो इसके केस में क्या हो रहा है, 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स को, इसके केस में Na पॉजिटिव के। अब आ जाओ आप Mg, Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन थे और Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का होता है 2 8 2, तो ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेगा अपने अंदर से, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेगा तो हमारे पास जो Mg डबल पॉजिटिव आयन बनेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन 2 8 यानी 10 हो जाएंगे। अब यहां स्थिति देखो, प्रोटॉन कितने हैं, 12, जितने इसका एटॉमिक नंबर है उतनी तो प्रोटॉन होंगे, तो यहां 12 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स को, ऑर्बिट तो 2 2 ही बचे। कभी आप ऑर्बिट के चक्कर में पड़ रहे हो, इसके पास भी 2 2 कक्षाएं हैं, कोई से भी कैटायन को देख लो आप, Na पॉजिटिव के पास भी 2 ही कक्षाएं हैं, Mg डबल पॉजिटिव के पास भी 2 ही ऑर्बिट हैं, Al ट्रिपल पॉजिटिव के पास भी 2 ही ऑर्बिट हैं। अब देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 8 3, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स को, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन निकालते ही इसके ऊपर आ जाएगा 3 इकाई धनावेश और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10। तो यहां 13 प्रोटॉन हैं जो अट्रैक्ट करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स को, 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ आप, जब आप तीनों केस को देख लिए तो खींचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे कि सर तीनों केस में खींचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 10 ही है, 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, पर खींचने वाले बदल रहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बदल रहे। आप जब यहां देखते हो सोडियम के केस में, तो सोडियम के केस में खींचने वाले 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है और एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन है। तो जहां खींचने वालों की संख्या सबसे कम है वहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो मैं कहूंगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन सबसे कम होगा, नाभिकीय आकर्षण। तो मैं यदि न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्शन का ऑर्डर बताऊं ना यहां, तो सबसे कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम एटम में होगा, Na पॉजिटिव आयन में, सॉरी एटम में नहीं आयन में, सोडियम का जो कैटायन है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा क्योंकि वहां खींचने वाले कम हैं। इससे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा Mg डबल पॉजिटिव का, और इससे भी ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा Al ट्रिपल पॉजिटिव का। तो यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ये सीक्वेंस है ना, तो मैं कह सकता हूं न्यूक्लियर अट्रैक्शन, नाभिकीय आकर्षण का सीक्वेंस बताऊं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा उसी में ही लग रहा होगा जिसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा, यानी न्यूक्लियर अट्रैक्शन का भी यही क्रम है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन Al ट्रिपल पॉजिटिव में लग रहा होगा और सबसे कम Na पॉजिटिव में। और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन Na पॉजिटिव में सबसे कम है ना, तो Na पॉजिटिव आयन ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 8 इलेक्ट्रॉन है उन्हें बहुत कम बल से आकर्षित कर रहा होगा और उसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो यदि हम साइज का कंपैरिजन करें ना यहाँ, कि चलो सर साइज का कंपैरिजन करते हैं, तो साइज के कंपैरिजन में बताऊं, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है उसका साइज सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ सबसे बड़ा साइज होगा Na पॉजिटिव आयन का, और Na पॉजिटिव आयन से छोटा साइज होगा Mg डबल पॉजिटिव आयन का, और सबसे ही छोटा साइज होगा Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन का। तो यहाँ एक ही फैक्टर ने काम करा, देखो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो चेंज नहीं हुए, यहाँ सिर्फ एक फैक्टर ने काम करा, और वो फैक्टर क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि तीनों आयनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वल हैं, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर, कि न्यूक्लियस में किसके न्यूक्लियस में कितने ज्यादा प्रोटॉन हैं।
जिसके न्यूक्लियस में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज को वो उतना ही सिकोड़ देगा, सिकुड़ जाएगा एटम। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आ जाओ आप यहाँ, देखो हमने पढ़ लिया कि सोडियम के पास 281, मैग्नीशियम के पास 282, एल्यूमिनियम के पास 283। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें से एक निकला, इसमें से दो और इसमें से तीन, तो Na पॉजिटिव 28, Mg डबल पॉजिटिव 28 और Al ट्रिपल पॉजिटिव भी 28। यहां से आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हट जाऊंगा, एक्सप्लेन मैंने सारा कर दिया आपके सामने। देखो Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव व Al ट्रिपल पॉजिटिव तीनों आयंस के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है, देख लो यहां 10-10 है, बट लेकिन तीनों के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो अलग अलग है ना, Na पॉजिटिव के पास सबसे कम प्रोटॉन अर्थात 11 प्रोटॉन होते हैं, अतः Na पॉजिटिव का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होने के कारण इसका साइज सबसे बड़ा होता है। जबकि थोड़ा ऊपर उठा लेता हूं, जबकि Al ट्रिपल पॉजिटिव के पास सबसे अधिक 13 प्रोटॉन होते हैं, अतः Al ट्रिपल पॉजिटिव का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे अधिक होने के कारण इसका साइज सबसे छोटा होता है। जहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा ना, वहां न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है ना वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है, बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक आ जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है तीसरे का फर्स्ट पार्ट, ओ डबल नेगेटिव व एफ नेगेटिव में से किसका साइज बड़ा होगा और क्यों। इन्होंने पूछा कि एक तो ऑक्साइड आयन है, एक फ्लोराइड आयन है, इनमें से किसका साइज ज्यादा बड़ा होगा ये बताना है हमें। देखो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी आपके बाद कि किसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, देखो एक तो हमारे पास क्या है, ओ डबल नेगेटिव, देखो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, 2 6, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा यानी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेते ही इसकी स्थिति बनेगी, प्रोटॉन तो इसके पास 8 ही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को लेते ही डबल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी 2 8। देखो पहले 6 थे अब 8 हो गए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। इसी तरीके से 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के पास जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 7। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसे कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही एटॉमिक नंबर तो 9 रहेगा पर एफ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास भी 2 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहे कि भाई एक तो ओ डबल नेगेटिव है आपके पास, एक है एफ नेगेटिव, इन दोनों में से किसका साइज छोटा होगा किसका बड़ा होगा यूं बता दो आप। अब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो 2 2 हैं आपको दिखाई दे रहे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, 2 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स से तो आंसर निकलने का नहीं है, हमें देखना है कि प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, 8 प्रोटॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है ना, 8 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स को, और यहां 9 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स को। बताओ ये बात समझ में आ रही क्या, यहां तो 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही, यहां 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है, तो यूं बताओ यदि मैं बात करूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो किसका ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
आप कहोगे कि सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों में 10-10 ही हैं, तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करेगा किसके ऊपर? प्रोटॉन्स की संख्या पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसमें ज्यादा होंगे उसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। तो प्रोटॉन तो बेटे फ्लोरीन में ज्यादा हैं, फ्लोरीन में 9 है, ऑक्सीजन में कितने हैं? 8। तो हम कहेंगे कि फ्लोरीन का यानी एफ नेगेटिव का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है ऑक्सीजन के डबल नेगेटिव आयन से। और जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, साइज उसका क्या हो जाएगा? उसका साइज हो जाएगा छोटा। तो साइज की बात करें, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एफ नेगेटिव का ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ही पर्यायवाची होता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ध्यान रखना, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो साइज की बात करें तो साइज जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसका साइज छोटा होगा, एफ नेगेटिव छोटा होगा साइज में और ओ डबल नेगेटिव साइज में होगा बड़ा। क्लियर होगी ना बात? तो यहां भी आंसर हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स से नहीं निकला, साइज को अफेक्ट करने वाले दो ही फैक्टर होते हैं। एक तो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जिसके आधार पर डिसीजन लेना बहुत आसान होता है, और एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और वो डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं। इनका कंपैरिजन मारना बस आपको, ठीक है? तो साइज किसका छोटा हुआ? फ्लोराइड आयन का, और ऑक्साइड आयन का साइज हुआ बड़ा। चलो देखते हैं इस चीज को, देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन कि ऑक्साइड व फ्लोराइड में से किसका साइज बड़ा होगा और क्यों। यहां से हमने सॉल्व करा, ऑक्सीजन के पास 2-6, फ्लोरीन के पास 2-7, इसने इलेक्ट्रॉन लिए 2, इसने लिए 1, तो ओ डबल नेगेटिव 2-8 और एफ नेगेटिव 2-8। दोनों आयंस यानी ऑक्साइड व फ्लोराइड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बराबर है तथा ऑर्बिट्स की संख्या भी बराबर है, बट प्रोटॉन्स की संख्या, चलो यहां से लिखते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या ऑक्साइड में कम होती है, अतः ऑक्साइड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने के कारण इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की ओर कम अट्रैक्ट हो पाते हैं, इसलिए ओ डबल नेगेटिव का साइज एफ नेगेटिव से बड़ा होता है। तो बड़ा कौन सा होगा? बड़ा होगा ऑक्साइड आयन, और फ्लोराइड आयन होगा आपका छोटा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया बेटे? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का थर्ड पार्ट है, ध्यान से देखना। तीसरे का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है Cu डबल पॉजिटिव है, Cu पॉजिटिव में किसका साइन बड़ा होगा। अब देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, Cu पॉजिटिव और Cu डबल पॉजिटिव, बस आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है? देखो अब समझ में आ जाएगा आपके सब कुछ खेल। और जब हम किसी टॉपिक को करते हैं ना, मान लो हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे फायदा ये होता है कि हमें जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे ना उस टॉपिक से रिलेटेड, वो टॉपिक उतना ज्यादा मजबूत होता जाएगा आपका। तो टॉपिक को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, उससे टॉपिक मजबूत हो जाता है। देखो क्वेश्चन क्या था, एक बार देख लूं मैं। क्वेश्चन था Cu डबल पॉजिटिव व Cu पॉजिटिव में किसका साइज बड़ा होगा, हमें बताना है साइज किसका बड़ा है। कुछ बच्चों के दिमाग में आंसर आ चुका है पहले से ही। देखो 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर के पास, 2, 8, 18, 1। यदि Cu पॉजिटिव आयन आप बनाओगे तो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल रखा और हमारे पास बचे 2, 8, 18, ठीक है? जब आप Cu डबल पॉजिटिव बनाओगे तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 2, 8, 17 रह जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूछ रहे साइज किसका बड़ा होगा, तो हमें कंपैरिजन इसका और इसका, सिर्फ इन दो का कंपैरिजन करना, इससे कोई मतलब नहीं है हमें,
दोनों में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इक्वल हैं, ठीक है, दोनों में प्रोटॉन भी इक्वल हैं, इसमें प्रोटॉन 29 है और इसमें भी 29 है, ठीक है। तो अब हमें डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर डिसीजन लेना है। देखो कैसे डिसीजन ऐसे लेना है, भाई प्रोटॉन कितने हैं 29, 29 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन ही तो गया था, 18 और 2 20 और 8 28, 28 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 29 प्रोटॉन 28 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपनी तरफ, और यहां यहां भी 29 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स को, देखो एक और घट गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 17, कितने हो गए 8 और 2 10 और 17 27, 27 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब मुझे ये बताओ प्रोटॉन बराबर कक्षाओं की संख्या बराबर क्या फर्क हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, तो यूं देखो इलेक्ट्रॉन कहां कम है, ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन जहां कम होते हैं वहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, तो यहां मैं कहूंगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी नाभिकीय आवेश की तुलना करें तो आपको पता है इन 29 प्रोटॉन्स को 27 इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, जबकि इन 29 प्रोटॉन को 28 इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, जिन्हें कम इलेक्ट्रॉन खींचने हैं ना वे ज्यादा खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Cu डबल पॉजिटिव का ज्यादा होगा, इससे Cu पॉजिटिव से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Cu डबल पॉजिटिव का ज्यादा है, और जब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो साइज तो बता ही दोगे, जब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो साइज इसका छोटा होगा, जिसमें जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन उसके ऊपर उतना ही ज्यादा होता है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना आउटर मोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के ज्यादा पास आएगा, और जितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के ज्यादा पास आएगा साइज उतना ही श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जो आयन या एटम जो भी है उसका साइज घटेगा। तो इन्होंने पूछा था कौन सा बड़ा है, तो Cu पॉजिटिव आयन बड़ा होगा जबकि Cu डबल नेगेटिव आयन होगा छोटा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ा होगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने से क्या हुआ होगा साइज घटा होगा, समझ में आ गया ना। देखो चलो देखो यहां देखो दोनों आयन्स में नंबर ऑफ सेल्स तो समान है, यानी दो दो हैं, देखो नंबर ऑफ सेल्स दोनों में कितने हैं, दो दो नहीं है, इसमें भी तीन है इसमें भी तीन है, देखो 2, 8, 18 2, 8, 17, तो यहां तीन तीन लिखना चाहिए, इसे सही कर लेना आप नोट्स में, ऐसी गलतियां हो जाती हैं लिखते हुए, तीन तीन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं इक्वल हैं, तीन तीन है, यहां तीन तीन लिखना चाहिए हमें, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है, जबकि प्रोटॉन्स की संख्या बराबर है, प्रोटॉन तो बराबर है 29 29 29, अतः Cu पॉजिटिव में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Cu डबल पॉजिटिव से कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें कम होगा Cu पॉजिटिव में, इसमें कम है ठीक है इसमें ज्यादा है, जिसके कारण Cu पॉजिटिव का साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा Cu पॉजिटिव का, ठीक है। कर लोगे इसे यहां तीन तीन कर लेना, तीन तीन ऑर्बिट है, चाहे आप लिखो बिना नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है Fe डबल पॉजिटिव व Fe ट्रिपल पॉजिटिव में किसका आकार कम है। अब तो पता चल गया होगा आपको, आपको साफ पता चल गया कि Fe डबल पॉजिटिव का साइज तो बड़ा होगा और Fe ट्रिपल पॉजिटिव में एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो साइज घट जाएगा, किसी भी एटम में से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं ना उसका साइज उतना घटता जाता है, उसका रीजन आप कह सकते हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही क्या होगा बढ़ता जाएगा। देखो अब जरा ध्यान से डिस्कस करते हैं इसे, इसे डिस्कस कर रहे हैं, चलो हम बात कर रहे हैं
हमारे पास Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 14, 2 Fe डबल पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन ये वाले निकल गए, 2, 8, 14 Fe ट्रिपल पॉजिटिव, एक और निकल गया, 2, 8, 13 समझ रहे हैं आप। अब यहां आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां इलेक्ट्रॉन है 8 और 2, 10 और 14, 24। पहले मैं प्रोटॉन लिख देता हूं, कितने प्रोटॉन है, 26, 26 प्रोटॉन एट्रैक्ट कर रहे हैं, दो निकले ना इसमें से 24 इलेक्ट्रॉन्स को, और यहां 26 प्रोटॉन एट्रैक्ट कर रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स को, एक और निकल गया, तो कितने बचे होंगे, 23 इलेक्ट्रॉन्स को। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 3-3 है दोनों के पास, ठीक है। तो ऑर्बिट्स इक्वल हैं, बराबर हैं, दोनों के पास 3-3 कक्षाएं हैं, और प्रोटॉन्स भी बराबर हैं दोनों के पास, इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों के पास बराबर नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता सकते हो क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका ज्यादा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा Fe ट्रिपल पॉजिटिव का और कम होगा Fe डबल पॉजिटिव का। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Fe ट्रिपल पॉजिटिव का ज्यादा है, और Fe ट्रिपल पॉजिटिव का चार्ज ज्यादा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इसका ही ज्यादा होगा, और जिसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन जिस पे ज्यादा काम कर रहा होगा उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के उतना नजदीक आ जाएगा। तो यहां क्या होगा, यहां आपका Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन का साइज होगा छोटा, जबकि Fe डबल पॉजिटिव आयन का साइज होगा बड़ा। तो छोटा साइज हुआ यहाँ Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन का, बताओ समझ में आई क्या बात, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर चार्ज Fe ट्रिपल पॉजिटिव के ऊपर ही ज्यादा है। इन्होंने पूछा था किसका साइज छोटा या बड़ा, जो भी पूछा था छोटा साइज पूछा था किसका है, तो छोटा साइज होगा Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन का, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर, ये तो समझा दिया मैंने सारा। दोनों आयन्स में ऑर्बिट्स की संख्या तो समान है, बट Fe ट्रिपल पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक होता है, अतः Fe ट्रिपल पॉजिटिव का आकार छोटा होता है। तो ये था हमारा आज का, इतनी पढ़ाई करनी थी आज हमें, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये चल रही है कि हमारे घर में जो है ना शादी है, एक ये शादियों का सीजन चल रहा है आपको पता ही होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है और टाइम की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से रेगुलर क्लास नहीं आ रही, पर जल्दी ही इसका सॉल्यूशन होगा आपको जल्दी इसका सॉल्यूशन मैं करके रखूं आपके लिए, कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल लूं किसी तरीके से। बहुत सारे काम करने होते हैं और मुझे ड्यूटी भी जाना होता है, वहाँ भी बच्चे इंतजार करते हैं कि सर आएंगे और हमें टॉपिक पढ़ाएंगे जो पढ़ाना है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो रहा है क्लासेस में, पर हो जाएगा सब कुछ ठीक, ठीक है। और मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज भी है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।